द्रौपदी। हाँ दुशासन। मेरे भाई हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन का एक आदेश है तुम्हारे लिए। तुम जिस भी अवस्था में हो, जिस भी हालत में हो, तुम्हें इसी वक्त भरे राज दरबार में याद किया गया है, तुम्हें बुलवाया गया है। अगर तेरे भाई को मेरी इतनी ही ज्यादा याद सता रही है तो जाके बोल दे उसे कि मुझसे यहाँ आके बात करेगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। द्रौपदी तुझे ज्ञान होना चाहिए, युवराज दासियों के पास में नहीं जाते, दासियां स्वयं चल करके एक हलकारे पे युवराज के पास जाती है दरबारों में। तो ज्ञान ज्ञान तो तुम्हें भी होना चाहिए। किस बात का? कि राज घरानों की बहुएं कभी राज दरबारों में नहीं जाया करती। अपने दिमाग से ये फितूल निकाल दे। एक अब तू राज घना के घराने की बहू नहीं रही, अब तो तू जुए में जीती हुई दासी है। तुम्हारे कह देने मात्र से मैं कोई दासी नहीं बन जाऊंगी। यहाँ से निकल जा और अपना काम कर चल। ऐसे नहीं जाऊंगा। कैसे जाएगा? लेकर के जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगी। राजी राजी चलेगी नहीं तो जबरदस्ती लेके। मैं जबरदस्ती भी नहीं जाऊंगी। मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। कहते क्या कहना चाह रहा सुन ले। शर्म नहीं धंधा कर ले मुंह जल जाएगा, खाना अच्छा गरम नहीं। लेकिन तुझमें अकल आज तक नहीं आई, वैसा ही है जैसा पहले छोड़ा था। क्या क्या कह रही है? मैं तेरी बड़ी भाभी हूँ। तू भाभी नहीं है, तू छोटा है। छोटा रह के औकात में बात कर। हेलो, हम इस हस्तिनापुर के युवराज हैं और जानते हैं दासियों से किस प्रकार से पेश आना चाहिए, क्योंकि अब तक तू रानी पटरानी बन करके रही है, उन्हीं ख्वाबों में घूम रही है। लेकिन अब से अपनी आदत बदल ले, अपनी बोली भाषा बदल ले, अपनी लैंग्वेज बदल ले। युवराजों से कैसे बात की जाती है? और सुन ले अंग्रेज।
औलाद, हाँ, दासी होगी तेरी माँ। मैं दासी नहीं हूँ, मैं हूँ यहाँ की महारानी। अच्छा। और अपने दिमाग से एक गलत फहमी निकाल दे कि मैं तेरे साथ जाऊंगी और तुम्हारी दासी बन के रहूंगी। बिल्कुल, जो कहना है कह दे। सुन ले। अपनी खता बताई नहीं मेरे जितनी और किसे में देवर मिले समा। बर्बाद करे नहीं किसे में जोर